ये सर रूपा जी बात करें चने की, तो देख रहे हैं चने का अक्टूबर में आया था 5001 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से अब नवरात्रि शुरू हो गई है, अब डिमांड भी है, खपत भी ज्यादा इन दिनों में देखने को मिल जाती है, आगे दशहरा है, फिर दिवाली भी है, क्या चना उभर पाएगा अपनी, जिस हिसाब से अभी चना 5000 के लेवल पर ही एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, क्या चने की कीमतों में कुछ तेजी देखने को मिल पाएगी, क्या दिवाली बना पाएगा चना इस बार? देखिए चने की अगर अखिलेश बात की जाए तो चने की दिवाली इस बार हो सकता है फीकी हो वायदा कारोबार की, क्योंकि देखिए वायदा कारोबार में आगे के वायदा नहीं है, और अभी जो है बाजार जो करंट वायदा देखने को मिल रहा है अक्टूबर वायदा, वो एक्सपायरी के बेहद करीब है, तो इसमें तो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं हम घरे जो मैं हाजिर बाजारों की, तो हाजिर बाजार में बिल्कुल तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, त्योहारी मांग निकलने लगी है, बाहर अगर देखें तो हाजिर मंडियों के अंदर दालों की सप्लाई भी तेज हुई है, दाल और बेसन की मांग जो है वो काफी निकल रही है, जो चने को मजबूती देती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली चने का खुद का स्टॉक काफी अच्छा खासा है, लेकिन अभी जो प्राइजेस है वो काफी नीचे है, इसलिए स्टॉकिस्ट अपना माल नहीं निकाल रहे हैं। ऐसे में चने की स्पेशली अगर हम बात करें, अराइवल्स जो है वो काफी कम देखने को मिल रही है, इसकी वजह से चने की कीमतें हाजिर में 100 रुपए जरूर तेज हुई थी पीछे, और वहीं आगे भी उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन के चलते इसकी कीमतें और ऊपर उठ सकती हैं। और चने के साथ साथ मसूर की अगर हम बात करें, मंडियों में मसूर की आवक भी काफी कमजोर देखने को मिल रही है, आगे उम्मीद यही है कि त्योहारी सीजन के चलते दालों की कीमतों में एक उछाल देखने को मिल सकता है, और स्पेशली अगर बात करें चने की, तो चने में आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, ये तो खैर बात करी थी हमने चने की और दालों की, कि अभी चने और दालों को त्योहारी मांग का सपोर्ट है। रूपा जी, जब त्योहारी सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद का क्या है, क्या तब भी चने और दालों की कीमतों में तेजी बनी रहेगी? देखिए चने का स्ट्रोक अच्छा है, अब चने के अंदर तो बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम कि लंबी तेजी जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन हाँ कुछ एक दालें हैं जिनमें तेजी बन सकती है, जैसे कि मूंग है, मूंग की अराइवल्स काफी कम है, मूंग के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि उसके बाद भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मूंग की अभी क्वालिटी भी अच्छी नहीं निकल रही है और डिमांड मिलर से अच्छी निकल रही है, तो मूंग में आगे तेजी बन सकती है, मसूर दाल में छुटपुट डिमांड निकल सकती है, तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी।